Hey guys, so in this video I'll be telling you about my branch preference in ISC. इस वीडियो में आप ब्रांच प्रेफरेंस देख के मेरी अपनी ब्रांच प्रेफरेंस देख कर खुद का डिसाइड कर सकते हैं कि किस ब्रांच में आपको मास्टर्स करनी चाहिए, ISC में या IIT में। मैंने जो सीखा अपने प्रेफरेंस से वही आपको सिखाता हूँ। मेरी जो ब्रांच प्रेफरेंस ISC में थी, 5 थी। 5वें नंबर पे मेरा था सिस्टम इंजीनियरिंग, जो पहले सिस्टम साइंस एंड ऑटोमेशन कहलाता था, आजकल वो सिस्टम इंजीनियरिंग कहलाता है। उस पे ME होती थी, अब वो MTech हो गया। फिर थी मेरी 4th नंबर पे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इंजीनियरिंग, जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट डिजाइन, इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन दूसरे नाम से जाना जाता है, DESE डिपार्टमेंट बोलते हैं जिसको। 3rd प्रेफरेंस थी मेरी कम्युनिकेशन, जो अभी शायद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन हो गई, नाम चेंज हो गया। सेकंड प्रेफरेंस थी सिग्नल प्रोसेसिंग। फर्स्ट प्रेफरेंस थी मेरी माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड VLSI। इनमें से मेरी माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स और VLSI वाली ब्रांच नहीं मिली थी मुझे, बाकी 4 ब्रांचेस ऑफर हो गई थी मुझे, जिसमें से इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन जो था, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इंजीनियरिंग और DESE, उसमें पहले रिटर्न और इंटरव्यू हुआ करते थे, तो दोनों मेरा क्लियर हो गया था, रिटर्न और इंटरव्यू। तो सबसे पहले मुझे 5वीं मिली थी, जो सिस्टम इंजीनियरिंग थी। फिर उसके बाद वो अपग्रेड हुई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में, क्योंकि मेरा रिटर्न इंटरव्यू निकल गया था। फिर उसके बाद कम्युनिकेशन में और फिर सिग्नल प्रोसेसिंग में। तो फिर मेरी सिग्नल प्रोसेसिंग ही ब्रांच रही, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स तक मैं नहीं पहुंच पाया। तो वो कोशिश करेंगे आपको आपके प्रेफरेंस तक पहुंचाने की जितना हो सके। अगर आपको आपकी प्रेफरेंस नहीं मिलती है तो आप एडमिशन सेक्शन में कोशिश करिए बात करने की कि आपको शिफ्ट कर दें। केसेस ऐसे हुए हैं जिसमें आपको दूसरी ब्रांच मिल जाती है एडमिशन के बाद। अब मेरे को इतनी नॉलेज नहीं थी, क्योंकि उस समय इतना इंटरनेट भी नहीं था कि मैं ज्यादा पता कर पाऊं कौन सी ब्रांचेस क्या होती है, कौन सी ब्रांचेस प्लेसमेंट ओरिएंटेड है, कौन सी रिसर्च ओरिएंटेड। अब रिसर्च करने जा रहे हैं तो कोई भी ब्रांच चले जाइए, आपका इंटरेस्ट जिसमें है वो ब्रांच चले जाइए। लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली जॉब के लिए जा रहे हैं तो आपकी प्रेफरेंस दूसरी होनी चाहिए। आपकी प्रेफरेंस ज्यादा सिस्टम इंजीनियरिंग और जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बताया मैं, या फिर माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स बताया मैं, उस साइड होनी चाहिए। मैं अगर अभी एडमिशन ले रहा होता ISC में एज MTech, और मेरे दिमाग में अगर जॉब होता तो मैं क्या प्रेफरेंस देता आपको बताता हूं। सबसे पहले मैं डालता इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इंजीनियरिंग के बाद मैं डालता माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड VLSI। सिंपल रीजन है इसका कि माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स ज्यादा कॉम्पिटिटिव ब्रांच है, उसमें मिलना बहुत मुश्किल होता है, बहुत टॉप रैंकर वालों को मिलता है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इंजीनियरिंग ज्यादा लोगों को पता नहीं होता है, इसलिए वो ब्रांच मिल जाती है और वो बहुत ज्यादा प्लेसमेंट ओरिएंटेड है, एकदम प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए। इनफैक्ट कुछ इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन के भी लोग उसमें जाते हैं ताकि जॉब लग जाए टाइप। लेकिन अपने लिए तो इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए वो एकदम हार्ट है। फिर 3rd प्रेफरेंस में मैं डालता सिस्टम इंजीनियरिंग, या फिर डाल देता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो अभी अभी आई है ब्रांच। वो ब्रांच के बारे में थोड़ा बता दूं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो ऐसा है कि ISC के कुछ अच्छे कोर्सेज डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लिए हैं और सबको मर्ज करके एक कोर्स बना दिया MTech इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर आपका मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग है, लीनियर अलजेब्रा वगैरह साइड से आप बहुत स्ट्रांग फाउंडेशन है आपकी, या फिर आपका कोडिंग बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, ये दो चीजें बहुत जरूरी है इस ब्रांच के लिए। अगर ये दोनों बहुत अच्छे हैं तो बिल्कुल जाइए इसमें। थोड़ा CS ओरिएंटेड है, इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट नहीं है ये, डेटा साइंस वगैरह पढ़ोगे, मशीन लर्निंग आप पढ़ोगे इसमें, तो सिस्टम इंजीनियरिंग में भी यही है, न्यूरल नेटवर्क्स वगैरह ये सब ज्यादा पढ़ोगे आप। तो ये ब्रांचेस इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक नहीं है, प्लस पर जॉब के लिए बहुत अच्छी है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स से भी लोग जाते हैं, शिफ्ट होते हैं, कंप्यूटर साइंस वाले भी लोग इसमें आते हैं। अगर कंप्यूटर साइंस में MTech नहीं मिलता ना तो इसमें आ जाते हैं लोग, MTech इन सिस्टम इंजीनियरिंग या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो 3rd प्रेफरेंस ये देता, 4th प्रेफरेंस में कम्युनिकेशन देता, और 5th प्रेफरेंस सिग्नल प्रोसेसिंग देता। 4th प्रेफरेंस में कम्युनिकेशन क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन में काफी कंपनीज मिल जाएंगी आपको। सिग्नल प्रोसेसिंग ऐसा है, थोड़ा सब डोमेन को थोड़ा थोड़ा टच करता है, तो थोड़ा मुश्किल होता है, आपको एक स्पेशलाइजेशन टाइप की नहीं मिलेगी। ये जो लास्ट के जो दो बताया, कम्युनिकेशन और सिग्नल प्रोसेसिंग, ये थोड़े से मैथमेटिकल बैकग्राउंड है इनका, ज्यादा ये इंक्लाइंड है रिसर्च की तरफ। आपको रिसर्च बहुत अच्छी मिल जाएगी क्योंकि आपका मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। लेकिन जो ऊपर के 3 ब्रांचेस बताया वो एकदम मतलब पढ़ोगे ना अगर आप, तो 100% प्लेसमेंट है, अच्छी खासी कंपनी, बहुत सारी कंपनीज है, 30-40 लोगों का सिलेक्शन होगा डिपार्टमेंट में, लेकिन कंपनीज बहुत मिल जाएंगी आपको, तो ये फायदा है। तो आज की डेट में आपका प्रेफरेंस ऐसा होना चाहिए MTech के लिए। इसमें भी आप देखोगे तो अदर ब्रांचेस को ही जाना चाहिए क्या? तो देखिए, इंस्ट्रूमेंटेशन को अगर बिलोंग करते हो तो इन्हीं में से कोई ब्रांच आपको चूज करनी पड़ेगी, या फिर आप इलेक्ट्रिकल को बिलोंग करते हो अगर आपको जॉब चाहिए। लेकिन अगर आपको मान लो कि रिसर्च ही करना है तो कोर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में जाओ, कोर इंस्ट्रूमेंटेशन में जाओ, फिजिक्स में जाओ, मैथ्स में जाओ, जहां जाना है जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब जॉब की बात आती है ना, तो इलेक्ट्रॉनिक्स और CSE है, इसी पे कंपनीज काम करती है ज्यादा। हाँ, दूसरे सिविल वगैरह में भी है, मैकेनिकल वगैरह में भी है, लेकिन बहुत सारी कंपनीज नहीं मिलेगी। आपको रियली स्टैंड आउट करना पड़ेगा एकेडमिक्स में, वहां ISC में जाके, IIT में जाके। तो इस चीज का ध्यान रखें कभी भी चूज
करते वक्त। नेक्स्ट चीज, ये तो मैं आईएससी का बताया, वैसे ही समझ लीजिए आप आईआईटी का भी ले लीजिए। अगर आप मास्टर्स करने जा रहे हैं तो एक एग्जांपल दे देता हूं मैं, आईआईटी बॉम्बे का जैसे, तो उसमें भी एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स करके ब्रांच होती है, उसको मैं फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखता, सेकंड माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स को देता। ऑल्दो माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ज्यादा फेमस ब्रांच है, लेकिन उसका जो एकेडमिक है ना बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल है, बहुत हेक्टिक है। एक साल आपको मतलब जान निकल जाएगी, दो साल बाद आपको कंपनी ही जाना है। बेवजह आप क्यों अपना स्ट्रेसफुल रखेंगे एकेडमिक, जब कंपनी में ही जाके काम करना है। आप चाहेंगे कि ईज रहे जितना उतना बेटर है। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स में आपको वही कोर्सेज मिल जाएंगे, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा अलग कोर्सेज होंगे जो सर्किट डिजाइन वगैरह रिलेटेड होंगे। वहीं माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में थोड़ा चिप डिजाइन वगैरह चला जाएगा थोड़ा, है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ज्यादा प्रेफरेंस देता, फिर उसके बाद मैं माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर उसके बाद कम्युनिकेशन एंड सिग्नल प्रोसेसिंग है वहां पे, वो देता, फिर बाकी जो कुछ ब्रांच होगा वो। तो अगर आपको ये सारे ब्रांचेस आईएससी आईआईटी में नहीं मिल रहे हैं तो फिर नीचे की आईआईटीज में जाइए, रेदर देन कि आप दूसरी ब्रांच चूज कर ले आईआईटी या आईएससी में। आईआईटी बॉम्बे में आप दूसरी ब्रांच चूज कर लिए तो फंस जाओगे आप दो साल बाद, ठीक है। अब वहां नहीं मिल रहा है ना उन दोनों में, तो नीचे चले जाइए, थोड़ा दिल्ली चले जाइए या मद्रास चले जाइए एनालॉग के लिए। स्पेशलाइजेशन देखिए, मोटा मोटा यही मैं समझाना चाह रहा था कि ब्रांच को आप प्रेफरेंस दे। अगर सीएस साइड होता है तो उस साइड भी चले जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लोग जाते हैं, कोडिंग वोडिंग जिनका अच्छा रहता है, आपको अपना चॉइस है, जैसे आपको दिखता है, आपको फील आती है, उसमें जाइए। और आप देखिए उनका करिकुलम, जो भी ब्रांच आपको मिली है उसका करिकुलम देखिए, सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज देखिए कि क्या क्या है वहाँ पे, क्या पढ़ना पड़ेगा मुझे दो साल में, क्या मैं कर पाऊंगा, क्या इसके बाद स्कोप है कि दो साल बाद भी मैं दिक्कत में आ जाऊंगा। पता चला आपने दो साल लगाए गेट निकालने के लिए, दो साल फिर लगाए मेमटेक करने के लिए और हाथ में कुछ है ही नहीं आपके, तो बेकार हो गया ना पूरा। तो इसीलिए आप बहुत ध्यान केयरफुल रहेंगे ब्रांच वाइज, क्योंकि अब आप स्पेशलाइजेशन में आ रहे हैं और आपको एज अब इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर नहीं, आपका डिजाइनर या फिर कुछ भी, मतलब इस आपकी नीश बन जाएगी और आप वही जाने जाओगे। इसलिए तो देख समझ के ब्रांच चूज करिएगा, आराम से अच्छे से पढ़िएगा, प्लेस होइए या रिसर्च करिए, उसके बाद एक्सप्लोर करिएगा मतलब अच्छे से, ठीक है। तो मेरी प्रेफरेंस देख ली आपने, मेरा सजेशन भी ले लिया आपने, बाकी आप अपने तरफ से एनालाइज करिए और सोचिए कि क्या आपको करना है और डिसाइड करिए, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, ऐसी छोटी छोटी चीजें मैं आपसे शेयर करते रहूंगा जो भी मेरे को फील आएगी। तब तक के लिए बाय बाय।